हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ संचार के साधन के टॉप 32 प्रश्न। दोस्तों, संचार के साधन जैसे कि समाचार पत्र हो गया, तार, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इत्यादि, जैसे डाकघरों से संबंधित जो है, इसमें हम टॉप 32 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरे ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देशों में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो डाकघर है वो कहाँ पर है, किस देश में है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में जो है सबसे ज़्यादा डाकघर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख। दोस्तों, भारत में जो डाकघर है वो करीब 1.5 लाख है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो दोस्तों, आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 89%। 89% जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है और 11% जो है वो शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुँचाने के लिए डाक निवासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो दोस्तों, डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए जो है दोस्तों कितने चैनल बनाए गए हैं, फटाफट आंसर बताइए। अगर आंसर पता है तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का दो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 6 डाक चैनल बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव है, ग्रीन चैनल क्या है? तो दोस्तों, बताइए ग्रीन चैनल क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाक सेवा है। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत जो है दोस्तों वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सात है दोस्तों, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 जोन में जो है विभाजित किया गया है डाक। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8। अगला सवाल 8 नंबर, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, प्रथम अंक जो है वो जोन को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों, आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डाक सूचकांक को जो है पिन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 डिजिट का होता है पिन कोड। दोस्तों, मेरा पिन कोड 84 14 28 है। तो आपका पिन कोड क्या है दोस्तों? आप अपना पिन कोड जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपना पिन कोड जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्य जो है किस डाक सूचकांक में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, डाक सूचकांक 7 में जो है सबसे ज़्यादा राज्य शामिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, डाक सूचकांक में जो सबसे ज़्यादा राज्य जो शामिल है उसमें कितने राज्य शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 राज्य शामिल है डाक सूचकांक 7 में। अगला सवाल देखिए, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, आपको डाक सूचकांक 8 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार व झारखंड। दोस्तों, बिहार व झारखंड जो है इसमें राज्य शामिल है 8 में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
दोस्तों अगला सवाल है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो है डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में जो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप सारे आंसर लगाते चलिए दोस्तों और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में जो है भारत में पहली डाक टिकट 1854 ईस्वी में जो है जारी किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली डाक टिकट कहाँ पर जारी की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची। कराची में जो है पहली डाक टिकट जारी की गई थी जो कि अभी पाकिस्तान में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुआ था? तो बताइए क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1880 ईस्वी में जो है मनी ऑर्डर प्रणाली की आरंभ हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया था? तो बताइए स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भारत होगा दोस्तों, भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए STD की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में STD में की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली STD सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? तो बताइए दोस्तों STD सेवा जो है किस किस के बीच में जो है शुरू हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ व कानपुर। लखनऊ और कानपुर के दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, भारत में जो है पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद और नैनी के मध्य शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो बताइए दोस्तों किस देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत में है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 24 है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। ईमेल जो है सबसे तेज और सस्ता साधन है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? तो बताइए दोस्तों कौन सी सुविधा नहीं देता है भारतीय डाकघर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन से शुरू हो तो वो डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पिन से शुरू होने वाले जो डाकघर है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है पिन से शुरू होने वाला डाकघर जो है केरल में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 022। दोस्तों मुंबई का जो STD कोड है वो 022 है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है,
प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाकघर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है डाकघर के आधुनिकीकरण से है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा यानी टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत में जो है टेलीफोन कब आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में आया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2013 को जो है लास्ट टेलीग्राम भेजा गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों कौन सी है राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी पहली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखिए, 32 है। इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो किसे जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, तार। तार को जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये है संचार के साधन के टॉप 32 प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी मेरे द्वारा बनाए महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।